सर यहाँ पे कभी कोई गिरा भी है क्या? जी हाँ सर, यहाँ पे तीन हादसे हुए हैं। सर जैसा है कि यहाँ पे जो लोग जाते हैं वो जाते हैं प्यार पे और आते हैं अखबार पे हैं सर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड ट्रैवल टूरिज्म। तो दोस्तों आज देखिए, पहले तो आपको नए चेहरे से मिलाते हैं। इनका नाम है गौरव बिष्ट, हमारे छोटे भाई हैं ये, और इनको इंट्रोडक्शन इनका ऐसे करता हूँ कि जो भी हम वीडियोस बनाते हैं तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ये हमें सजेस्ट करते रहते हैं, फीडबैक देते रहते हैं कि किस तरीके की वीडियोस आनी चाहिए, तो बहुत हेल्पफुल करता है वो हमारे को वीडियो इम्प्रूव करने में, तो इसके लिए हम इनको थैंक यू बोलना चाहेंगे। और आज हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर, तो आज हमारे साथ हमारे भाई भी हैं। हम हल्द्वानी आए थे तो हमने सोचा भाई से मिल लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग। ये देखिए मैगी और चाय का मजे लेते हुए लोकेशन देखिए। तो ये है दोस्तों चौले की जाली, जिसके लिए लोग मुक्तेश्वर में आते हैं। यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त व्यू दिखता है। अभी नीचे जाएंगे हम भी, पहले दर्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है मुक्तेश्वर धाम, और बताया जाता है ये मंदिर 300-350 साल पुराना है, और इंडिया में शिव के मंदिर टॉप 18 में ही आता है। टॉप 18 जो शिव के मंदिर है उनमें से एक कहा जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ के कुछ बढ़िया बढ़िया व्यूज। सबसे आगे हमारी गाइड चंद्रकला। चंद्रकला यहाँ पहले भी आ चुकी है और वो तत्पर है कि हमें वो रास्ता दिखाएंगी। मंदिर में बैक साइड में आपको ये मिलेगा यूनिटी मोमो कॉर्नर, आप मोमो भी खा सकते हैं। और ये भाई साहब हमारे देखिए खुद ही लगे पड़े हैं अपनी कलाकारी दिखाने में और अपनी दुकान को सजाने में। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन किया है इन्होंने। पहाड़न, शांत पहाड़न है ये। देखिए नाम बताएंगे भैया आप अपना? राहुल। तो राहुल भाई की शॉप है, कभी भी आते हैं पीछे तो मोमोज खाइए। ये अंदर भी लगे हुए हैं एक भैया, देखो। तो मुक्तेश्वर का जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है वो है ये चौली की जाली जो आप देख रहे हैं। ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है, और अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो सर्कल सा, वहाँ पे वो स्पेशली फेमस है कि शिवरात्रि में जिन औरतों को कंसीव नहीं हो पाते हैं, जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं, वो यहाँ पे अगर उस सर्कल के अंदर से चक्कर लगाएं तो उनकी मन्नत पूरी होती है। ये सामने है चौले की जाली, और काफ़ी रेस्टोरेंट आपको यहाँ नज़र आएंगे। मैम राजमा चावल है, कढ़ी चावल है, और पकौड़े मिल जाएंगे, मैगी मिल जाएगी।
सर यहाँ पे कभी कभी कोई गिरा भी है क्या? जी हाँ सर, यहाँ पे तीन हादसे हुए हैं। सर जैसा है कि यहाँ पे जो लोग जाते हैं वो जाते हैं प्यार पे और आते हैं अखबार पे हैं सर। खाने में यहाँ पे कड़ी चावल, राजमा चावल, पकौड़े और यहाँ पे मैगी, और यहाँ पे एक फेमस चीज़ है, यहाँ पे आपको माल्टा का जूस मिलेगा। आपने हमारे कई वीडियोस देखी होंगी, हम माल्टा हर जगह लेके जाते थे, उसी का जूस यहाँ मिलेगा। और हमारे गौरव भाई ने कड़ी चावल ऑर्डर किए हैं और हम सब ने राजमा चावल ऑर्डर किए हैं। ये हो मैं और ये पीछे दिख रहा है आपको मुक्तेश्वर चौली की चाली, और ये हमारी पारी चल रही है। ये मैं हूँ, ये है मुक्तेश्वर और ये हमारी पारी चल रही है। और ये माई की पारी हो रही है। जूस ले लो। और आ जाएगा दोस्तों, अभी हम ये चोली की जाली में खड़े हैं। ये मुक्तेश्वर का बैक साइड है और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं ये चट्टाने बनी हैं, तो जो यहाँ टूरिस्ट आते हों यहाँ पर कुछ देर बैठना पसंद करते हैं। यहाँ से सनसेट बहुत सुंदर दिखता है। और अगर आप अभी ये वीडियो दिल्ली, मुंबई इन जगहों से देख रहे हैं तो आप यहाँ आइए, टूर बनाइए और यहाँ काफ़ी बढ़िया बढ़िया रिजॉर्ट आपको मिल जाएंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।